अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक तलाक़ याफ्ता खातून का रिश्ता लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस रिश्ते की तफसील में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाले नए रिश्ते की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस रिश्ते की जानिब। आज मैं जिस खातून का रिश्ता आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस खातून की उम्र 35 साल है और ये तलाक याफ्ता है। तलाक की वजूहात इन्होंने जो बताई हैं तो वो भी एक दर्दनाक हैं। वजह ये बनी कि इसका जो शौहर था, जिससे इसकी शादी हुई थी, वो पहले से भी शादीशुदा था। पहले से उसकी बीवी मौजूद थी और वो रूठी हुई थी। इन्होंने शादी कर दी। जब शादी होगी तो फिर पहली बीवी के साथ इसकी सुलह होगी, तो फिर उसकी डिमांड थी कि मैं तब आऊँगी जब आप इस खातून को, अपनी इस बीवी को तलाक देंगे। तो इस चक्कर की वजह से इसके शौहर ने इसको तलाक दे दी। इस खातून की तालीम बीए है और इसकी जो कोई जॉब वगैरह नहीं करती। इसका तलक रावलपिंडी से है। होम टाउन इनका जो है वो रावलपिंडी है, जबकि ये जो रहायश पज़ीर हैं तो वो ये लाहौर में है। इसके वालिद साहब सिविल इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं और बहुत अच्छी इनकम है। इसके 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 2 भाई हैं। सब के सब शादीशुदा हैं। इसकी शादी हुई थी, जो इसको ये इशू देखना पड़ा, ये मुसीबत परेशानी देखना पड़ी। इस खातून का कद 5.5 फुट है। रंग इसका गोरा है और वज़न इसका 55 kg है। काफ़ी स्लिम स्मार्ट और ख़ूबसूरत हैं। अपनी एज से काफ़ी कम नज़र आती हैं। इसका कोई बच्चा वगैरह नहीं है। इनका कहना यह है कि इनने शहर, गाँव, कौम, सिटी और किसी भी एरिया से हो, ओपन कास्ट का ये रिश्ता है, किसी एरिया से भी हो, किसी भी कास्ट का रिश्ता हो तो ये कर लेंगे। इनका कहना ये है कि लड़की की उम्र कम से कम तालीम जो है तो वो बीए होनी चाहिए। उम्र की जो उन्होंने बताया तो वो 40-45 साल भी हो जाए तो ये उनसे रिश्ता कर लेंगे। इसके अलावा इनकी कोई डिमांड नहीं है। ऐसे अहबाब जो इस रिश्ते पर पूरा उतरते हैं, इस रिश्ते को हासिल करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर वीडियो कमेंट्स में जाएं, पूरी डिटेल सेंड करें, ताकि आपका इस फैमिली के साथ रابطہ कराया जा सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।